मैं हूँ सायमा नवीद और आप देख रहे हैं मेरा कुकिंग चैनल कुक विद सायमा नवीद। आज मैं बनाऊंगी चाइनीज़ चावल। चाइनीज़ चावल बनाने के लिए मैंने एक पाव बंद गोभी को काट लिया है अच्छी तरह बारीक बारीक। अच्छा, ये एक पाव गाजर थी, इसको मैंने जूलियन कट में काट लिया है, और ये एक पाव शिमला मिर्च थी, इसको भी मैंने जूलियन कट में काट लिया है। उसके अलावा मैं लूँगी इसके लिए तीन पाव तकरीबन चिकन है, ये ब्रेस्ट पीस है। इसको जो है मैं एक चमचा नमक, एक चमचा काली मिर्च, आधा चमचा लहसुन पाउडर, आधा चमचा अदरक पाउडर और आधा चमचा वाइट पेपर के साथ बॉयल होने रख दूंगी। उसके बाद इसको शेड करूंगी। जी व्यूअर्स, मैंने इसे दो गिलास पानी में बॉयल होने रख दिया है, 10 से 15 मिनट में बॉयल हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इसको शेड करेंगे और फिर अगला प्रोसेस आपको बताएंगे। जी व्यूअर्स, ये मेरी चिकन बॉयल्ड हो रही है, 10 से 15 मिनट के बाद इसको फिर हम शेड करेंगे। जी व्यूअर्स, ये आधा कप जो है ये भुट्टे के दाने हैं, इसको भी मैं चिकन में डाल दूंगी और साथ में बॉयल करूंगी। जी व्यूअर्स, मैंने ये तीन पाव चावल लिए थे बासमती, इनको 20 मिनट तक भिगो दिया था और उसके बाद इसको बॉयल होने रख दिया है। इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ना ही नमक और ना ही कोई मसाला। इसको सादे पानी में बस मैं बॉयल करूँगी और उसके बाद इसको छान के अच्छी तरह टैप वाटर से इन चावलों को धो लूँगी। इससे ये होता है कि फिर चाइनीज़ चावल चिपकते नहीं हैं। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। जी व्यूअर्स, मैंने ये देगची चावल उबाल लिए हैं और देगची को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं एक कप ऑयल डालूँगी। और इसमें दो चम्मच लहसुन अदरक डालकर भूनूंगी। ये जो मैंने चिकन को बॉईल किया था उसको मैंने शेड कर लिया है सारे चिकन को। इसके अलावा इसमें एक डेढ़ चम्मच जो है नमक डलेगा, एक चम्मच वाइट पेपर ढकने में चलेगी, डेढ़ चम्मच इसमें काली मिर्च आएगी, ये कौन सा जो मैंने बॉईल कर लिए थे। इसके अलावा ये सब्जियां हैं और ये सिरका है। सिरका मैं जो हूँ 3 टेबल स्पून डालूंगी, थोड़ा सा चिली सॉस डालूंगी फ्लेवर के लिए, और हाफ कप से थोड़ा कम जो है इसमें सोया सॉस जाएगा, और 1 टेबल स्पून इसमें मैं चीनी डालूंगी सिर्फ फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। तो यह लहसुन अदरक जो है वो अच्छी तरह से भुन रहा है। इसके बाद में इसमें 1 by 1 एग्स डालूंगी। लहसुन अदरक हमारा भुन गया है, मैं इसमें एग्स डालूंगी। एग जो है मैं डायरेक्ट डालती हूँ, उसको डालूंगी और फिर मिक्स करूँगी। इसमें मैं 6 एग्स डालूंगी। देखिए अजीब बस, अब अंडे मैंने इसमें 6 डाल दिए हैं। अब मैं इसमें ये चिकन डाल दूंगी सारी और इसको मिक्स करेंगे। जो सब्जी मैंने काटी थी सब्जी सारी डाल दूंगी और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसमें मैं मसाले डालूंगी। जी व्यूअर्स, से मेरी सब्जी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक डालूंगी। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने चिकन में भी नमक डाला था इसलिए मैं इसमें नमक का लेवल कुछ कम रखूँगी। अब इसमें मैं वाइट पेपर ढकनी मिर्च डालूंगी, काली मिर्च डालूंगी और उन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। मैंने इसमें कॉर्न्स भी डाल दिए हैं और अब इसे अच्छी तरह से चलाऊँगी। जी व्यूअर्स, अब मैं इसमें ये चिली सॉस डाला है मैंने 2 टेबल स्पून, और ये मैंने 4 से 6 चमचे जो है तकरीबन सोया सॉस इसमें डाल दिया है, और अंदाजे से ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है सिरका डाल दूँगी और फिर इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें चावल ऐड करेंगे। इसमें 1 चमचा मैंने चीनी डाल दी है। मैं क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें चीनी भी ऐड की है, आपकी मर्ज़ी है आप चीनी ऐड करें या ना करें। अब इसमें मैं चावल डाल के और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट के लिए दम कर दूँगी। जी व्यूअर्स, मैंने इसमें अपने चावल ऐड कर दिए हैं और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। चावल मैंने डाल दिए हैं, मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो मैं इसको 5 मिनट दम देकर फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये मिक्स मैंने कर दिए हैं, मैं ऐसे 10 मिनट तक दम करूंगी फिर डिश आउट करूंगी।
जितने व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये इसका फाइनल लुक है। 10 मिनट तक मैंने इनको दम दिया है, फिर डिश आउट कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपका मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइमन अली।